ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री धावानी। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्हासनगर के 17 सेक्शन पर दोपहर 3:30 बजे के आसपास एक ट्रक ने 4 लोगों को ठोकर मारकर घायल कर दिया। आप देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरह से एक ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के कारण ये दुर्घटना हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। प्रभाग समिति चुनाव के बाद प्रभाग समिति 4 की चेयरमैन अंजलि सालवे ने डंपिंग ग्राउंड का किया दौरा। आइए लेते हैं इस पे जानकारी। आज सर्वप्रथम सभापति प्रभाग क्रमांक 4 सभापति पदाचा चार्ज स्वीकारल्यानंतर आज सगळ्यात पहिली मीटिंग ही सॅनिटेशन डिपार्टमेंटची लावण्यात आली आहे। या सर्व SI आपले प्रभाग अधिकारी सुनावणे साहेब त्यांच्या गायडन्सखाली सगळी ही मीटिंग लावण्यात आली होती। त्या प्रामुख्याने सगळीकडले स्वच्छतेचे प्रॉब्लेम जसं कंपोस्ट प्रत्येक पॅनलमध्ये एक कंपोस्ट खत हे करण्यासाठी एक तयार करणं आणि मेन कचरा उचलणे, सगळीकडले जे आपले खत्ते आहेत तो क्लिअर करणे, तसंच जे अनयुजेबल जे आपण टॉयलेट्स वापरत नाही त्यांना निष्कासित करून ते पालिकेत हस्तांतरित करणे आणि हे सगळे प्रॉब्लेम नंतर हे पूर्ण क्लिअर करून आज इथे डम्पिंग ग्राउंडला आम्ही व्हिजिट करायला आलो आहे। कारण इथल्या प्रभागाचा हा महत्त्वाचा विषय आहे आणि कित्येक दिवसापासून आपण बघतो की याच्यासमोर अनेक आंदोलने झालेत। आज इथे डम्पिंग ग्राउंडला व्हिजिट केल्यानंतर खरंच इथली हालत बघून खूप मला खूप वाईट वाटत आहे की खरंच हे खूप अगोदर व्हायला पाहिजे आणि सिरियसली व्हायला पाहिजे। इथे आपण बघतो की हा डम्पिंग ग्राउंड गेल्या 4 वर्षात एवढा तयार झालेला आहे आणि याच्यावर कचरा टाकण्यापासून ते कचरा वर नेऊन त्याला बायोकल्चर करून सगळे प्रकार होत आहेत पण तो डम्पिंगचा कचरा इथून काही हटत नाही आहे आणि आजूबाजूच्या लोकांना जो प्रचंड त्रास होतो तो आपल्याला दिसतो आहे आणि ते वारंवार इथले नगरसेवक ते निदर्शनास आणत असतात। तर माझं म्हणणं थोडक्यात असं आहे की एवढं आपण इथे याच्यासाठी खर्च करतो पण कचऱ्याचं सिग्रिगेशन करून
तो वार्डमध्ये म्हणा किंवा पॅनलच्या पॅनलमध्ये जर आपण तिथे त्याची विल्हेवाट लावता आली आणि झिरो गार्बेज वार्ड किंवा पॅनल असं करण्यात आलं, तर यावर खूप 100% सिरियसली विचार करून व्हायला हवा. प्रत्येक वेळेस आम्ही स्वच्छता अभियान झालं तेव्हा पण आम्ही हे खूप सिरियसली प्रयत्न केला होता आमच्या पॅनलमध्ये किंवा की झिरो सिग्रिगेशन व्हावं, आणि ते खरंच सिरियसली केलं तर ते होऊ पण शकतं, पण प्रत्येक वेळेस ते काही ना काही कारण काढून पुढे ढकललं जाते. पण आज डम्पिंगची ग्राउंड याची हालत बघितल्यानंतर खरंच हे सिरियसली खूप व्हायला हवं याकडे मी लक्ष देणार आहे, आणि हा मूळ मुद्दा आहेच. आणि बाकीचे ज्या काही प्रभागातल्या समस्या आहेत पॅनलच्या प्रभाग 4 मधल्या त्या सगळ्या आम्ही सॉल्व्ह करण्याच्या एक एक मीटिंग घेऊन प्रयत्न करू. धन्यवाद. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर 4 के प्रभात गार्डन में स्थित पानी की टांकी के परिसर में नशा करने वाले युवकों की संख्या बढ़ती जा रही है. आइए लेते हैं जायजा इस परिसर का. हम सभी जानते हैं कि शहर में जो है क्राइम यानी कि गुनाह का दर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है. ऐसे में शहर में चोरी की घटना है या फिर चेन स्नैचिंग की घटना है या फिर मोबाइल छीन के भाग जाना या फिर पर्स छीन के भाग जाना, ये सारी घटनाएं जो है एक आम तौर से हो चुकी है. ऐसे में ये ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि जहाँ पर गुनाह पनपता है उस जगह को अगर आप सुरक्षित करेंगे तो गुनहगार और गुनाह दोनों ही जो है कंट्रोल में रहेगा, यानी कि जो है बढ़ती घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं कम होती नज़र आएगी. हम आपको बताना चाहेंगे कि एक जो है एक साल होने आया है एक लॉकडाउन जो लॉकडाउन लगा था, महामारी चली थी उसके पहले जनवरी में करीबन हमने जो है एक खबर आपको बताई थी कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 का जो प्रभात गार्डन है उसके ठीक बाजू में ये शासकीय ज़मीन है, जो शासन की ज़मीन है, जो कि जंजर अवस्था में है. ना तो यहाँ पर गेट है, ना तो यहाँ पर साफ़ सफाई है, ना तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई देख रेख की प्रक्रिया रखी जाती है. एक और यहाँ पर जो है लगातार चोरी की घटनाएँ होती रहती है. इस परिसर से जो है काफ़ी चोरी की घटनाओं की जो है तस्वीरें सामने आई है. हमने उस समय भी बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कि सुधार होना चाहिए, सरकारी ज़मीन है तो ताकि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व जो अंदर बैठ के नशा करते हैं, नशा करने के बाद बाहर निकलते हैं और आसपास में महिलाएं रहती है, बुज़ुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके साथ चोरी की घटनाएँ छेड़छाड़ की घटनाएँ बढ़ती है. वो वाकिफ़ है ये घटनाएँ होना क्योंकि आसपास में गार्डन है और रहवासी यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं. हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से अंदर यहाँ पर जो है नशा करने वाले लोग शराब पीते हैं और अन्य तरीके की शराब जो नशे के पदार्थ है उसका सेवन करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर जाके शहर में जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं. ऐसे में जो साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, भले ही ये ज़मीन आज इस्तेमाल में नहीं है लेकिन इस पर जो है कहीं ना कहीं एक गेट होना चाहिए, एक सेफ्टी ग्रिल होनी चाहिए ताकि जो नशा करने वाले लोग हैं वो अंदर ना जाएं. पास में ही प्रभाग समिति है लेकिन किसी भी तरीके का कोई देख रेख नहीं किया जाता है. बाजू में आप देख सकते हैं कि पानी पुरोठा का भी जो है दफ्तर है, पानी की टंकी है, शासकीय कार्यालय हैं, लेकिन व्यवस्था आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब लगी पड़ी है. एक और गंदगी का यहाँ पर साम्राज्य है, जहाँ पर प्रशासन कहता है कि साफ़ सफाई रखिए, वहीं पर प्रशासन की जो इस्तेमाल में आने वाली जो जगह है जो कि खंडर के रूप में है वहाँ पर गंदगी का साम्राज्य है, जिससे जो है आसपास में भी काफ़ी दिक्कतें होती है. असामाजिक तत्व यहाँ पर रहते हैं, तो क्या दिक्कत कभी हुई है आसपास में चोरी की घटनाएं? कभी चोरी की घटनाएं हमारे एरिया में तो नहीं, लेकिन कई बार पता चला है हमको कि यहाँ पर चोरी हो रही है यहाँ के, बस बाकी कोई तकलीफ नहीं. कभी ऐसा डर लगता है रात के समय में, शाम के समय में, या फिर घर से महिलाएँ जाती होगी तो? बस हाँ वो तो है. डर लगता है आपको कभी आप अकेले यहाँ से जाते? ये पोर्शन में लगता है डर. अच्छा। क्योंकि काफ़ी ऐसा अंधेरा रहता है यहाँ पे. हाँ। तो उसके वजह से लगता है. नशा करते हुए कभी किसी को देखा होगा? मतलब ऐसे थोड़े लड़के रुके रहते हैं लाइक थोड़े स्लम एरिया के, तो थोड़ा उनसे हमको डर लगता है, सेफ नहीं लगता ये एरिया में. ये जो सरकारी ज़मीन पड़ी है खंडर के रूप में, आपने यहाँ पे आते जाते देखते होंगे, तो क्या दिखता है यहाँ? पूरा कचरा दिखता है, भंगार दिखता है, जो बेवड़े लोग का आना जाना रहता है, पूरा सोए रहते हैं बेवड़े लोग. अच्छा. कुछ भी पीते रहते हैं कभी भी. अच्छा. सिगरेट बड़े को पीते हैं, दारू पीते रहते हैं. यहाँ पर चोरी की घटनाएं हुई है फिलहाल? अभी थोड़ा टाइम पहले, ये टाइम पे थोड़ा नहीं हुआ, पहले हुआ था एक दो बार. अच्छा. हाँ मतलब चोरी की घटनाएं होती रहती है? होती रहती है ना, सीधी बात है, खुला ओपन मैदान है और रात को सुनसान रहता है इधर 9 के बाद. तो इस जगह से रोज़ाना आना जाना है आपका? अच्छा. ये खंडर जैसी जगह है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आपके यहाँ क्या होता रहता होगा? ये खंडर जैसे कि आप देख रहे हो कि आने जाने के लिए शाम को बहुत तकलीफ देता है, जैसे कि फालतू लोग खड़े हो जाते हैं तो हमको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है. अच्छा. हाँ जैसे हम लोग अभी आप देख रहे हो कि अभी खाली है, शाम को आप खुद आके देखोगे तो यहाँ पे फालतू गिरी बहुत ज़्यादा होती है. सरकारी जगह है लेकिन खुद देख रेख नहीं होती, तो क्या कहेंगे प्रशासन को?
प्रशासन को इतना कहेंगे, ये तो पब्लिक की जगह होती थी तो आप खुद ही एक्शन लेते थे, अभी सरकारी जगह है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? इसके पहले भी हमने खबर बताई थी, खबर चलने के 8 महीने हो गए लेकिन उसके बाद भी जो है प्रशासन के कानों पर जो है जूं तक नहीं रहेंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लगातार गुनाह का दर बढ़ते जा रहा है शहर में, तो उसे कम करने के लिए प्रशासन को उन जगहों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ पर ये गुनहगार या फिर गुनाह होने वाली चीज़ें पनपती है। शासकीय जगह है, यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी ग्रिल गेट यहाँ पर होने चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से आसपास का इलाका, मैंने कहा कि रहवासी इलाका है, बाजू में गार्डन भी है, तो एक सिक्योरिटी का भी यहाँ पर बंदोबस्त होना चाहिए ताकि जो घटनाएं हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छतलानी ने महानगर पालिका आयुक्त से की है मांग, जब तक त्योहारों का समय है तब तक गोल मैदान का कुछ हिस्सा कार पार्किंग के लिए दिया जाए। आइए सुनते हैं क्या है कहना उनका। कुणाल जी, यूटीए की तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि शहर में जो तकलीफें हैं व्यापारियों को या आम नागरिकों को, उसमें यूटीए कुछ ना कुछ करे। हमने अगले साल और उसके पहले भी 2018 में भी मांग की थी कि पार्किंग के लिए, खास करके फोर व्हीलर पार्किंग के लिए, हमको कुछ ना कुछ दिवाली सीजन में एक टुकड़ा कोई दिया जाए जहाँ पर हम लोग फोर व्हीलर की पार्किंग, हमारे जो कस्टमर बाहर से आ रहे हैं। उल्लासनगर में रिटेल कारोबार बहुत अच्छा है लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो हमारा जो पूरा व्यापार है वो 50% में पहुँच चुका है, वो और न गिरे इसके लिए हमारी कोशिशें चालू है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को लेटर दिया है और उसमें मांग की है हमने कि गोल मैदान का एक टुकड़ा कोई भी हमको फोर व्हीलर पार्किंग के लिए दिया जाए। टू व्हीलर पार्किंग फिर भी इधर उधर एडजस्ट करके समझो हो रही है लेकिन फोर व्हीलर लेके जो बड़ा कस्टमर हमारे पास आता है वो बहुत बड़ी तकलीफ थी। मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इस पर विचार करेंगे। कल हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने भी वाले हैं इस विषय पर और मिलकर हम कमिश्नर साहब के सामने, शहर में उनकी पहली दिवाली है, उनके सामने हम लोग पूरा विषय रखेंगे कि ये शहर की हालत क्या है ट्रैफिक की, या ये शहर कितना कंजेस्टेड है। जितना मुझे जानकारी है कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट सेकंड कंजेस्टेड शहर है ये, पूरे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन 13 स्क्वायर किलोमीटर में जो रहती है वो और किधर भी नहीं है। तो यहाँ पर ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम होना तो सीधी सी बात है। तो कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण हमारे यहाँ पे जितनी अभी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं तो फ्यूचर कोई प्लानिंग नहीं हुई है अच्छी तरह से। जब पप्पू गलानी साहब हमारे आमदार थे या नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत अच्छी सीमेंट की सड़कें बनाई, शहर में बहुत अच्छा काम हुआ था, उन्होंने बहुत आगे की सोच कर शहर में काम किया था। बाहर से लोग हमारा शहर देखने आते थे कि यह शहर कैसे सीमेंट ब्लॉक बना हुआ है। आज हम लोग आजू बाजू के सभी शहरों से पिछड़ गए हैं। बदलापुर शहर बाजू में नगर परिषद है लेकिन वो हमसे आगे निकल गए हैं। तो मैं खास करके महानगर पालिका का जो प्रशासन है, सत्ताधारी है, उनसे अपील करूंगा कि हम व्यापारियों को साथ में लेकर शहर में कुछ नया बदलाव लाएं और पार्किंग प्लाजास बनने चाहिए, पेन पार्क। लोग पैसा देने को तैयार हैं, आप सिर्फ हमको पार्किंग फैसिलिटी दीजिए। यूएमसी की तरफ से आप बीओटी पे दे सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका प्लॉट रहेगा बीओटी पे, वो 7 माला खंड पार्किंग बनाइए और हमारे लिए पार्किंग प्रोवाइड कीजिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। इन दिनों कुछ अवैध निर्माता वालदोनी परिसर में कर रहे हैं अतिक्रमण, आइए देखते हैं हमारी इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। लगातार अतिक्रमण किए जा रहे हैं नदी के पास में शहर में, केवी रोड के परिसर में जैसे देखेंगे तो किस तरीके की मांग और किस तरीके का अब जो है मामला सामने है जिसको लेकर प्रशासन से मांग की गई है कि अतिक्रमण को रोका जाए और जो इस पर अधिकारी मिले हैं उन पर कार्रवाई की जाए। वालदोनी नदी के बाजू में जो है भरनी डाल के अनधिकृत बड़े बड़े गाले बन गए इधर, अभी ये बाजू में ये बड़ा गोडाउन बन रहा है, तो ये जो प्रभाग अधिकारी है क्या करते हैं, इनको दिखता नहीं है। अगर कोई झोपड़पट्टी में एक अगर दीवार भी अगर उठाता है तो एक प्रभाग अधिकारी मुकदम वहाँ पहुँच जाते हैं, कार्रवाई करने लगते हैं। और इतने बड़े वालदोनी नदी में भरनी डाल के वो नदी एकदम नाला बन गया है,
और ये ऐसा भरनी डाल के जो अनाथ रूप बांध के हम कर रहे हैं, इसके लिए जो आजू बाजू का जो झोपड़पट्टी है वहाँ पे हर साल पानी भरता है, और पानी भरने की वजह से गरीबों का जो नुकसान होता है वो नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे अपन। और हम लोग आयुक्त से ये डिमांड कर रहे हैं, अभी आयुक्त के पास गए थे हम लोग, हमने आयुक्त साहब को ये बताया कि वालदुनी नदी में जो अनाथ रूप बांध के हम हो रहा है, जो बड़े बड़े शेड डाल रहे हैं, तो प्रभाग अधिकारी क्या कर रहे हैं? तो यहाँ के जो प्रभाग अधिकारी है और ये जो मुकादम है इनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। प्रभाग समिति क्रमांक 3 के अंतर्गत ये पैनल क्रमांक 11 है। प्रभाग अधिकारी गणेश सिंपी और मुकादम एक पाटिल है, राठौड़ पाटिल, ये सब। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक अनधिकृत बांधकाम हुआ था, महापालिका ने उधर लाखों रुपए का खर्च करके, पुलिस वगैरह ये सबको खर्च करके यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की थी, और वहाँ पर तोड़क कार्रवाई 6 महीने पहले हो गई थी, लेकिन आज वहाँ पर बड़ा सा गोडाउन तैयार है, बड़े सा प्रॉपर्टी बन के तैयार है, और नदी के अंदर वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नदी के अंदर भराव डाल के बनाई गई है। और आज भी हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा गोडाउन भराव डाल के बनाया गया है। इससे क्या होता है कि उस साइड से पैनल क्रमांक 10 में जो वस्ती है, जो स्लम इलाका है, जो निचला इलाका है, पानी भरता है, तो इसके यह भराव डाल के गोडाउन बनाने से, अनधिकृत बांधकाम करने से वहाँ पर पानी भरता है और बहुत सारी वहाँ पर नैसर्गिक हानि होता है, वित्त हानि होता है, लोगों की जानो माल को नुकसान होता है। प्रभाग अधिकारी और संबंधित मुकादम इस बात के लिए जवाबदार है और तत्काल उनको निलंबित करके उनका चौकसी होना चाहिए, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग है। नहीं तो हम महानगर पालिका के प्रांगण में आंदोलन करेंगे, उसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। बुधवार की सुबह चर्चित चैनल रिपब्लिक इंडिया के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। बुधवार को सुबह रायगढ़ पुलिस ने रिपब्लिक इंडिया न्यूज चैनल के सर्वे सर्वा अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया। पुलिस पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी व अन्य ने इसकी घोर निंदा की है। महाराष्ट्र में चल रही सत्ता अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। इसके विरोध में महाराष्ट्र में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि अन्वय नाइक ने रिपब्लिक इंडिया चैनल के स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइन का काम किया था। इस काम के 5,40,00,000 बाकी थे, परंतु बार बार बिल के रुपयों की मांग करने पर भी अर्णव ने रुपए नहीं लौटाए, जिसके कारण मानसिक दबाव के चलते अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के विषय में अन्वय नाइक के पत्नी ने रायगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाए जाने का मामला दर्ज किया है। यह मामला 2018 का है। अन्वय ने सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें अर्णव समेत 2 लोगों का जिक्र किया गया। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। रिपब्लिक इंडिया के संपादक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर में किया आंदोलन। आज आपने देखा होगा सभी टीवी माध्यमों पर कि किस प्रकार महाराष्ट्र शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी ताकत दिखाकर सत्ता का दुरुपयोग कर पूरे प्रेस मीडिया को दबाने का प्रयास कर रहा है। यह फाइल 2018 में जब शुरू हुआ था उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की और अन्वय नाइक का जो यह आत्महत्या का केस था उसे बंद किया गया, लेकिन एक द्वेष की भावना अर्णव गोस्वामी से रख करके, ताकि कोई भी प्रेस, कोई भी पत्रकारिता यह जो महाविनाश आघाड़ी सरकार है उसके विरुद्ध में कुछ न बोले, ये दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज हम पूरे देश भर में, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सरकार का निषेध करते हैं और आने वाले दिनों में यह जनता दिखाएगी कि यह जो सत्ता का दुरुपयोग बार बार किया जाता है तो ऐसी सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर किया धरना प्रदर्शन। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। आज महाराष्ट्र में ऐसी घटना घटित हुई है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को केवल इसीलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह अर्णव गोस्वामी जो बातें करता है वह ठाकरे सरकार को नागजार होती है। आज देश में
जिस तरह से पूरा लोकतंत्र का वातावरण है, लेकिन महाराष्ट्र में एक आपात काल की स्थिति आ गई है। और कुछ दिन पहले मुंबई के आयुक्त परमवीर सिंह ने उनको टीआरपी केस में फंसाने का प्रयास किया, जो जिसमें पूरी तरह से विफल गए। अब वह मामला उठाया है अलीबाग का, जो 2 साल पहले 2018 का मामला है। 2020 में इसी सरकार ने उस मामले को बंद कर दिया है कि इसमें कोई हमारे पास प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। अब अर्नब गोस्वामी पूरे देश में पालघर के साधुओं की हत्या का मुद्दा हो या फिर सुशांत सिंह की हत्या का मुद्दा हो, वह बातें उठा रहा था जो कि इस मोगलाई सरकार या वह सरकार है जिसने मोदी और फडणवीस को जो लोगों ने कोल दिया था या लोगों ने जनादेश दिया था, उसको चोरी कर कर बनी हुई सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आप सभी पत्रकार भी उसी चौथे स्तंभ के हिस्से हो। आप लोगों की जरिए से, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि यह सरकार अपने विरोध में बात नहीं सुन पाएगी। अगर इस महाराष्ट्र में हमें रहना है तो ठाकरे सरकार जिंदाबाद बोलना पड़ेगा, शरद पवार जिंदाबाद बोलना पड़ेगा, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलना पड़ेगा, वरना हम सभी लोगों को, सभी पत्रकारों को जेल में रहने के लिए, अंदर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। आरोप क्या है, ये दिख रहा है दिन दहाड़े एक पत्रकार को उसके घर में बड़ी ही बेआबरू करके, उसके बच्चे को मारकर, उसके बाल पकड़कर घसीटकर एक पत्रकार को ले जाना, ये आपातकाल की ओर नहीं बढ़ रहा है तो किस ओर बढ़ रहा है? कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अर्नब गोस्वामी के मामले में हमने की मुलाकात शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी से। आइए सुनते हैं क्या है कहना उनका। बीजेपी कौन से मुद्दे को लेके राज्य सरकार का निषेध कर रही है वो आपके ध्यान में आया होगा। जो अर्नब गोस्वामी जो है वो अपने पूरे देश में एक चैनल चलाते हैं और वो चैनल आज तक हम लोग आरोप कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का चैनल है। अर्नब गोस्वामी को भारतीय जनता पार्टी पैसा देके राज्य सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ काम करवा रही है। लेकिन आज वो सिद्ध हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है और वो चैनल भी भारतीय जनता पार्टी का है, ऐसा ये सिद्ध हुआ है। अर्नब गोस्वामी को जो अरेस्ट हुई है वो पुलिस ने उनको अरेस्ट की है और पुलिस अरेस्ट करने की कुछ वजह होगी, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है। एफआईआर दाखिल होने के बाद पुलिस का काम पुलिस कर रही है, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी राज्य सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की नींद सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जाने के बाद हराम हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अर्नब गोस्वामी को लेकर आंदोलन कर रही है। देखो कितनी मज़े की बात है, इस महाराष्ट्र राज्य में और समस्या है, उस समस्या को लेकर आंदोलन किया तो हमने कुछ नहीं बोला, समस्या सुलझनी चाहिए इसलिए आंदोलन कर रहे, तो हम समझ सकते हैं। अर्नब गोस्वामी के वजह से एक आदमी की जान गई है और वो जान जाने के बाद में उसके पत्नी ने जाकर एफआईआर दाखिल किया और एफआईआर में उसका नाम है, उसके बाद में ये कार्रवाई हो रही है। ये सब मीडिया वालों को मालूम है, इस महाराष्ट्र की जनता को मालूम है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी हरकतें कर रही है, इसलिए वो क्या कर रही है वो सब जनता को मालूम है। महाराष्ट्र सरकार इसमें कुछ भी उसका लेना देना नहीं, लेकिन इस महाराष्ट्र और पुलिस, मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो कानून से काम करती है। महाराष्ट्र में कानून का राज्य है और कानून किसी को छोड़ेगा नहीं। अगर हम भी उसमें गलती करते हैं तो कानून हमारे लिए भी वैसा ही रहेगा, भले हम सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वान्या फाउंडेशन की तरफ से एक अनोखी पहल,
5-6-7 नवंबर को स्वामी हंस मुनि कॉलेज उल्लासनगर 5 में दीपदान उत्सव लगाया जा रहा है। इस एग्जीबिशन से आने वाली धनराशि गरीबों में खर्च की जाएगी। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। मामा मुझे पटाखे लाके दो ना। हाँ हाँ, हमारी भी शॉपिंग हो गई है। हाँ हाँ, देखो मैं देख। बाय। हाँ बाय बाय। हाँ बोलो। मामा मुझे पटाखे लाके दो ना, मेरे सारे फ्रेंड्स ने लाए हैं अपने अपने पटाखे, मुझे भी चाहिए, मुझे भी लाके दो। उसको बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फटाके मींस क्रैकर्स हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, वो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। पर हाँ, हम शॉपिंग करने जरूर चलेंगे, हमें अपने घर को भी तो सजाना है, उसको डेकोरेट करने के लिए शॉपिंग में चलते हैं, ठीक है? यस, चल। दीपावली खुशियों का त्योहार, घर की डेकोरेशन और मिठाइयों का त्योहार, जीवन में अंधकार से रोशनी लाने का त्योहार। आइए तो इस वर्ष हम सब मिलकर अपने साथ साथ सबकी दिवाली खुशहाल बनाएं। कोरोना की तलवार शिक्षकों पर हुआ वार, कोरोना की तलवार तकलीफों से घिरे प्यारे कलाकार, कोरोना की तलवार ब्राह्मण समाज की खुशहाली पर प्रहार। तो इस दीपावली उनके जीवन में रोशनी लाने की राह पर एक कदम बढ़ाया जाए। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वान्या फाउंडेशन की इस छोटी सी पहल दीपदान उत्सव में आप इस एग्जीबिशन कम सेल में दिए, मिठाइयाँ और अन्य घर की डेकोरेशन के सामान खरीद सकते हैं, और इस सब से जो भी धनराशि इकट्ठी होगी उससे इन्हीं जरूरतमंद लोगों के उद्धार के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हमारी और आपकी एक छोटी सी कोशिश जो किसी की जिंदगी को खुशहाली से भर दे। दीप दान उत्सव, जैसे कुछ दिए जलाने से हमारा पूरा घर जगमगा उठता है, वैसे ही दीप दान उत्सव से शॉपिंग करके आप किसी की जिंदगी को उत्साह और उल्लास की रोशनी से जगमगा सकते हैं। एक कदम रोशनी की ओर। दीप दान दिवाली मेला एग्जीबिशन कम सेल 5, 6 और 7 नवंबर 2020 दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक स्वामी देव प्रकाश महाराज हॉल, SHM डिग्री कॉलेज बेसमेंट, तलवलकर जिम के पीछे, उल्लासनगर 4। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सिंधी साहित्य जगत के प्रसिद्ध गायक हरदिल अजीज श्री कृष्ण जुरियानी को कोणार्क न्यूज की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। भले ही किशन जी शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, पर उनके गाए हुए गाने हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वतन खां दूर आया, दर बदर आया, गरीब आया, दिसो छा छा न थियो आया, तदहिं भी खुश नसीब आया। सजण जीअं जीअं धिकारे थो, मां तीअं उन जे करीब आहियां। भुलाइण सां न भुलिजां थो, मां माण्हू को अजीब आहियां। चवनि था वियो चंदुर पुसजी, बराबरि मां पुठल आहियां। मोल आहियां मोहबत में, अॻे ई मां मुठल आहियां। मुए खे केरु मारींदो, मां जीअरनि खां टुटल आहियां। जीअण वारा त पिया मरंदा, मरण खां मां छुटल आहियां। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप सभी से एक अपील। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिवाली का पर्व पास में आ रहा है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, फेस पर मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।